बलात्कार के आरोप में जेल में बंद राम रहीम के खिलाफ जांच तेज होती जा रही है। राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा से जुड़े खातों को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने बैंकों को नोटिस भेजा है और डेरे के खाते में लेन देन की जानकारी मांगी है। डेरे से जुड़े चैरिटेबल ट्रस्टों के खातों को लेकर भी नोटिस जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक 30 से ज़्यादा बैंक खाते डेरा सच्चा सौदा से जुड़े पाए गए हैं। सभी बैंकों को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी करके पूछा है कि खातों में जमा होने वाली रकम कहां से आ रही थी। इनकम टैक्स विभाग ने पिछले 3 साल में इन खातों से होने वाले बड़े लेन देन की जानकारी मांगी है। इस बैंक खातों के अलावा डेरे से जुड़े चैरिटेबल ट्रस्टों और आर्ट सोसाइटी के बारे में भी आयकर विभाग ने जानकारी मांगी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन खातों की जानकारी मांगी गई है वो सिर्फ सिरसा में नहीं लेकिन पूरे देश में अलग अलग राज्यों में मौजूद है।